संजय दत्त और उनकी फर्स्ट वाइफ ऋचा शर्मा की बेटी त्रिशाला दत्त आज पॉपुलर स्टार डॉटर्स में से एक है। अक्सर इंस्टाग्राम पर त्रिशाला अपनी ग्लैमरस पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा था जब त्रिशाला ओवरवेट हुआ करती थी। जी हाँ, त्रिशाला जब हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तब उनका वजन लगभग 90 kg था। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने अपने फिगर पर ध्यान देना शुरू किया और तकरीबन 30 kg वजन कम किया था। इसी तरह पिछले 3-4 सालों में उन्होंने कुछ और वजन कम किया और आज की बात करें तो त्रिशाला का वेट 58 kg है। आपको बता दें कि त्रिशाला फिलहाल फैशन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2014 में उन्होंने अपनी पहली ड्रीम ट्रेसेस हेयर एक्सटेंशन लाइन शुरू की थी। वो न्यूयॉर्क के जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस से लॉ में ग्रेजुएशन भी कर चुकी हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त और ऋचा शर्मा ने 1987 में शादी की थी और त्रिशाला का जन्म 1988 में हुआ था। संजय की वाइफ ऋचा को ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से 10 दिसंबर 1996 को उनकी मौत हो गई थी। मां की मौत के बाद से ही त्रिशाला न्यूयॉर्क में अपनी मौसी एना के साथ रहती हैं। खैर, अगर त्रिशाला के इंडस्ट्री में करियर की बात करें तो संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो नहीं चाहते कि उनकी डॉटर कभी फिल्मों में आए। इसकी वजह ये है कि वो चाहते थे कि त्रिशाला अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े और अपना करियर किसी दूसरी फील्ड में ही बनाए। इसके लिए उन्होंने भी काफी मेहनत की है। संजय का कहना है कि फिल्मों में आने के लिए इंडस्ट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए। ये ग्लैमर की दुनिया है लेकिन यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। पर वैसे वेट कम करने के बाद अक्सर त्रिशाला अपनी बोल्ड और ग्लैमरस पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। जिस तरह से त्रिशाला ने अपने बॉडी वेट पर काम किया है, वाकई में वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।